एज फार एज आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपके सामने पता नहीं कितने मारे होंगे। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया कि जिस वक्त पुलवामा हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और ये स्ट्रेटेजी बनाई। तो आपको लगता है कि उन्होंने 20 पाकिस्तानियों को मारा होगा? नहीं नहीं, ये झूठ है, सब झूठ है। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था। अमेरिका चाहते नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का ताल्लुकात अच्छा हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एशिया से भी सुपर पावर मुल्क एक निकले। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर बराह रास्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर का कंट्रोल है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आजाद कश्मीर के लोग हैं, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भी इंडिया के साथ आना चाहते हैं। जिससे पाकिस्तान बिल्कुल भी तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, भारत को भारत है पांचवा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। इसलिए चाहिए कि बच्चियों को स्टडीज करें और ताकि पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके। आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं। मुल्क है, बाकी कंट्रीज क्या हमें देती है जो हमें इंडिया ने देना है, देती तो हमें बाकी कंट्रीज भी नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20 दहशतगर्दों को या 20 लोगों को मारा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक बड़ी लहर आई और उसके नतीजे में हमारी बहुत सी जानें मजीद ज़ाया हुई। तो आपने तबसरा करते हुए कहा था कि यू हैड इंफॉर्मेशन कि उसमें इंडिया का हाथ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी टेररिस्ट अगर हमारी धरती पर आकर कुछ करता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर आतंकवादी हरकतें करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का एक और सबूत खुद भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम ने इंकशाफ किया है कि मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कत्ल के अहकाम जारी किए। उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी जमीन पे जो है वो मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। रॉ के ऑफिशियल से भी बात की है और उनसे भी कंफर्म किया है कि एक पॉलिसी है टू कैरी आउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आउटसाइड इंडिया ऑफ एनिमी एजेंट्स, और जिसके अंदर पहले ये इल्ज़ाम कनाडा ने लगाया, फिर यूएसए ने भी लगाया और यूके में भी ये इल्ज़ाम लग चुका है और पाकिस्तान तो कब से इल्ज़ाम लगा रहा है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सब जी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते शुरू से ही कैसे ही हैं, और दोस्तों पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि भारत उनसे दोस्ती कर ले ताकि पाकिस्तान की हालत सुधर जाए। पर दोस्तों ऐसा हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों हमेशा से पाकिस्तान आतंकवादियों को इतना ज़्यादा अपने यहाँ पनाह देता है और भारत में हो रहे गतिविधियों को अटैक करवाता रहता है। जैसा आप सभी को पता है, कभी वो पुलवामा अटैक कराता है और पता नहीं कितने सारे अटैक वो भारत के ऊपर करवाते रहते हैं। पर दोस्तों पहले की बात कुछ और थी, पहले भारत इन सब चीज़ों पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता था, पर दोस्तों अब ये नया भारत है, अब ये घर में घुस के मारता है। और दोस्तों राजनाथ सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अब कोई भी पाकिस्तानी ऐसा हमारे यहाँ करने की कोशिश करेगा जो हमारे भारत को नुकसान पहुँचाएगा, उसको पाकिस्तान में घुस के उन्हीं के तरीके से उनको सजा दी जाएगी। जिसको सुन के दोस्तों पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है, क्योंकि अब भारत छोड़ने वालों में से नहीं तोड़ने वालों में से है। तो दोस्तों आइए देखते हैं बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है इसमें। और तो सवाल किया गया उनसे कल वाली अखबार के हवाले से, उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे, ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं शिवसेना के, अब और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट। कि उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पर जो है वो मारेंगे।
और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था, और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट, ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया है। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया उसको इंडियन गवर्नमेंट सारी बात है रिजेक्ट करती है और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कंपेन नहीं कर रहे वो सारा, दैट इज़ पैक ऑफ लाइज सो एंड सो, जिस तरह वो एक हुकूमत का काम होता है कि दिस इज़ फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये बातें की हैं और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह नहीं करते। लेकिन इंडियन मीडिया के सामने बार बार एक चीज़ कहना और फिर ये कहना कि जो आज़ाद कश्मीर है जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो कहते हैं दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं जिसे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं वो भी इंडिया के साथ आना चाहते हैं। और उन्होंने इसकी जो लॉजिक वो ये एस्टैब्लिश की, वो कहते हैं जब हमने 370-35A के आर्टिकल को एब्रोगेट किया तो उसके बाद आपने देखा होगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत कम जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि चीज़ें कितनी हमारे कंट्रोल में हैं और हमारे एक्शंस को सपोर्ट किया जा रहा है। सो दिस इज़ वॉट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अमित शाह साहब भी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये कह रहे हैं, पाकिस्तान की पोलिटिकल क्लास तो साइलेंट है। अगर आपको कहीं से पाकिस्तान के किसी वजीर का, मिनिस्टर का, किसी पॉलिटिशियन का कोई स्टेटमेंट आएगा तो मुझे जरूर दिखाइएगा, मैं तो देखना चाहता हूं, बिकॉज वी फॉलो मीडिया स्टोरीज, हम देखते रहते हैं। गार्डियन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि इंडिया की एजेंसी ने इसको बाकायदा इस तरीके से प्लान इसलिए किया कि ये सोच उस वक्त उनके अंदर उभरी के जिस वक्त पुलवामा हुआ, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और ये स्ट्रेटेजी बनाई। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो हमने आप तक पहुंचाई गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में आप सब जानते हैं जो उन्होंने पब्लिश किया। अच्छा, उसके बाद जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी तो कभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही, लेकिन अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट इंडोर्स कर रही है गार्डियन की उस रिपोर्ट को। और गार्डियन ने फिर एक रिपोर्ट शाया की है, एक खबर गार्डियन में पब्लिश हुई है इस वक्त, जिसमें गार्डियन ने ये कहा है कि इंडिया ने इसको पहली मर्तबा ये एक्सेप्ट किया है, इंडिया की तरफ से पहली बार ये एक्सेप्टेंस आ रही है या इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20 दहशतगर्दों को या 20 लोगों को मारा है। अब ये जो मैं कह रही हूँ कि 20 दहशतगर्दों या 20 लोगों को, तो ये जो या है इसके बारे में राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा, उनके इंटरव्यू में उनसे जो सवाल किया गया उसके जवाब में उन्होंने पहले पूछा, क्योंकि एंकर जो थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये कहा जा रहा है गार्डियन की रिपोर्ट आई इसके बारे में आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों की हलाकतें हुई हैं और ये बात कही जा रही है कि आपकी तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ से मारा गया उनको, तो उन्होंने कहा कि लोग या दहशतगर्द, इसलिए मैंने कहा या क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया लोग या दहशतगर्द। और इसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये हम पे हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, ये क्या आप कह रहे हैं और कोई भी उठ के मुंह उठा के हमें ये कह देता है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या दहशत। पेपर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट शाये की और कहा कि 2020 से 2024 के बीच 20 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मारे गए उसमें इंडिया की एजेंसी का हाथ है। ये बहुत बड़ी खबर है, इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि नहीं इंडिया ऐसा कभी नहीं करता और हमारी ये स्टेट पॉलिसी नहीं है, हमारा कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं है। और ये जो एंटी इंडियन जो चीजें हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन है और इंडिया को जी दबाने की जो है कोशिश की जा रही है, और यूके का ये कहना है जी हमने इंडियंस के जो एजेंट्स हैं उनसे बात की है, पाकिस्तानी एजेंसीज के लोगों से बात की है। सर सवाल ये पैदा होता है कि 20 लोग तो मरे पाकिस्तान, जी जी बिल्कुल, और ये वो लोग थे जो कश्मीर के अंदर जहाद को प्रमोट करते थे, ये कश्मीर की आजादी में थे, और जाहिर है जो इंडिया के कश्मीर की बात करते हैं इंडिया के लिए तो वो दहशतगर्द है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका मारा और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया, आज तक कोई पकड़ा गया बताएं? जी जी कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया और इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। और अभी आपने सुना होगा जो ब्रिक्स है, इट्स ब्राज़ील रशिया इंडिया, ये जो इनकी एजेंसी बनी है, तो इंडिया हमारी नस्बत बहुत टॉप पे है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकोगनाइज़ किया जाता है हमारी नस्बत। और पाकिस्तान के क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़ें और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे, तो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट,
और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो अब भी करेंगे, और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज़ फार एज़ आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपके सामने पता नहीं कितने मारे होंगे, क्योंकि उनका काम ये है। और वो कह रहे हैं जो हमारा टारगेट दहशतगर्द है उसको हमने नहीं छोड़ना। आप बर्तानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, निज्जर को ठोका, पाकिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे को ठोका, कश्मीरी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं और हम ऐसे इश्यूज को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पे बात कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, और द नेशन नीड्स टू नो, ये हमें सबको साथ होना चाहिए। और क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि हम इकोनॉमिकल